तो लीजिए, कढ़ाई चिकन बन के तैयार है। अगर आपको अच्छा लगे तो मम्मी यम्मी किचन फूड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, मम्मी यम्मी किचन फूड में आपका स्वागत है। और आप कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे हो और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं कढ़ाई चिकन बनाने जा रही हूँ। उसके लिए 1 किलो चिकन है और इधर मसाले हैं। मसाले में से काली मिर्च, जीरा, धनिया, सेंधा नमक है, हल्दी है, लाल मिर्च है और इनमें से मैं भून के पाउडर बनाऊंगी। ये भुना मसाला हो जाएगा, भुना हुआ मसाला डालूंगी, मसाला थोड़ा सा ही डालूंगी। उसके लिए और सामग्री है, टोमेटो है, अदरक है, नींबू है। टोमेटो खट्टा नहीं है इसलिए थोड़ी सी आधी नींबू है, आधी नींबू को जूस निकाल लिए हैं। और शिमला मिर्च है, पीला, हरा, लाल, और प्याज तो नहीं डलता है लेकिन मैं 1 प्याज डाल रही हूँ, और धनिया और हरी मिर्च। बस इतना ही सामग्री से हमें बनाना है। तेल गर्म हो रहा है, अब मैं इसके अंदर मिर्ची डालूंगी। तेल गर्म ढक दी हूँ ताकि छींटा किसी के ऊपर ना पड़े। बस हल्का फ्राई हो जाएगा मिर्ची, उसके बाद मैं सारे शिमला वाला सब फ्राई कर लूँगी। मैं रहा है उसके अंदर बम की तरह, तो सारे फ्राई करके मैं निकाल लूंगी। तो देखिए हल्का फ्राई हो गया है तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। इसे डीप फ्राई नहीं करना है नहीं तो जल जाएगा। अभी इसे चिकन में भी डालना है हमें, तो उसके अंदर भी पकना होगा इसे। और इसके बाद रेड चिली, हरा भी डालूंगी और पीला भी डालूंगी। इसे एक साथ ही फ्राई करूंगी। थोड़ी सी क्रंची होगी तो निकाल लूंगी। देखिए कितना सुंदर कलर लग रहा है। और इसे डाल करके फ्राई चिकन बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनेगा मेरे हिसाब से। बनाइए, बहुत ही बढ़िया बनेगा। और ये भी हो गया है हाफ फ्राई, देखिए इसे भी निकाल लेती। इसके बाद लहसुन नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन लहसुन का फ्लेवर अच्छा लगता है। थोड़ा सा काली मिर्च और जीरा, और इसके बाद टोमेटो, मेन इसमें टोमेटो है। और टोमेटो डालने के बाद नमक स्वाद अनुसार, और उसके बाद ढक्कन लगा देंगे। थोड़ा देर टमाटो सॉफ्ट हो जाएगा फिर इसके बाद चिकन डालेंगे। 1 चम्मच हल्दी, 1 अदरक, सॉफ्ट हो रहा है थोड़ा थोड़ा, इसके बाद चिकन। और इसे डाल करके थोड़ा सा ढकती हूँ, थोड़ा सा सॉफ्ट करती हूँ इसे। और ये आधी नींबू का जूस, थोड़ा सा खट्टापन होना चाहिए, टोमेटो इतना खट्टा नहीं करेगा इस वजह से जूस थोड़ी सा। अगर आप ज़्यादा थोड़ा खट्टा नहीं पसंद करते, खूब ज़्यादा खट्टा नहीं होगा मतलब टेस्ट के लिए, तो आप स्किप कर देंगे नींबू, और थोड़ा टोमेटो की क्वांटिटी बढ़ा लेंगे।
प्याज इसमें नहीं डलता है, लेकिन मैं डाल रही हूँ, आप नहीं डालेंगे। अब इसे अच्छी तरह से भूनना है, अब ढकना नहीं है इसे, बस इसी के चिकन के पानी में अच्छी तरह से इसे मैं भुनाई करती हूँ। अब इसके बाद मैं प्याज डाल रही हूँ, प्याज अभी डाल रही हूँ ताकि थोड़ा सा प्याज क्रंची रहे, इसी वजह से प्याज तो इसमें डालना है ही नहीं। और थोड़ी सी धनिया, और अभी अच्छी तरह से इसे भूनना है, भूनने के बाद ही शिमला मिर्च डालना है और मिर्च डालना है। और इसमें तेल ज़्यादा लगता है, लेकिन मैं कम तेल डाली हूँ, सेहत का भी ध्यान रखना है इसी वजह से, नहीं तो इसमें ये चिकन जो पानी रिलीज किया है ये इस जगह पर इतना तेल होता, लेकिन मैं इतना तेल नहीं डाली हूँ, ज़्यादा तेल डालने से सेहत ख़राब होगा, तो थोड़ा कम डाली हूँ, तो फिर भी थोड़ा ज़्यादा। तो ये जो भुना हुआ मसाला है, भून करके इसका पाउडर मैं बना रखी हूँ, अभी इसे मैं डाल देती हूँ। देखिए कितना बढ़िया खुशबू आ रहा है, और चिकन देखिए बिल्कुल गल गया है, हड्डी छोड़ दिया है। अब इसमें मैं मिर्ची डालूंगी, कितना बढ़िया कलर हो गया। अब मैं इसके अंदर ये मिर्ची, और उसके बाद शिमला मिर्च, और ये बना करके खा करके देखिए बहुत ही अच्छा लगेगा। और थोड़ी सी ये धनिया पत्ता है, इसको बाद में डालूंगी, और इसमें पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ड्राई ही बनता है, आप पानी डालना चाहते हैं तो गर्म पानी डाल सकते हैं, ऐसे हम नहीं डालेंगे। हो गया है, बस थोड़ी सी और इसे भूनना है, ढकना नहीं है। कलर कितना बढ़िया हुआ है, रोटी से खाइए, पराठे से खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा, चावल से भी खा सकते हैं, फ्राई चावल से खा सकते हैं और अच्छा लगेगा, सादा चावल से भी खा सकते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया है, फ्लेवर डालना चाहते हैं तो थोड़ी सी हींग के फ्लेवर डाल दें, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, स्ट्रॉन्ग हींग नहीं डालें, थोड़ी सी हींग के फ्लेवर अभी डालूँ, मैं ही डाल रही हूँ, आप भी डाल सकते हैं। प्लेटिंग नहीं करूंगी, कढ़ाई चिकन है तो कढ़ाई में ही दिखाऊंगी आपको। तो ये देखिए कितना बढ़िया बन गया है। अब मैं थोड़ी सी धनिया इसमें डालूंगी, हल्की सी, तो लीजिए कढ़ाई चिकन बनके तैयार है। अगर आपको अच्छा लगे तो मम्मी यम्मी किचन फूड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद, एक लाइक ज़रूर कीजिए। और इतना बढ़िया बढ़िया रेसिपी मैं देती हूँ, लेकिन एक भी लाइक नहीं आता और ढंग से व्यू ही नहीं आता, फिर मैं क्या करूँगी, आगे से फिर अच्छा बढ़िया ऐसे रेसिपी नहीं दिखाऊँगी आपको, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब और शेयर बनता है। कर लीजिए ताकि जले ना, और सारे फ्लेवर इतना बढ़िया इसमें आया, और ज़्यादा तेल भी नहीं है। तो चलिए अब हम एंजॉय करते हैं इसे, और आप देख करके एंजॉय करिए, जब तक आप देखेंगे हमारे पेट में गया होगा ये, और
आप जरूर बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, अच्छा अच्छा रेसिपी बच्चों को खिलाइए। मेरे चैनल पर जरूर विजिट कीजिए, एक बार जाके तो देखिए क्या क्या मिल रहा है वहाँ पर।